नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 लीनियर इक्वेशंस। जो है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। मतलब अभी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने एक बार साइमल्टेनियस मेथड सॉल्व किया था, एक बार हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व किया था, अब इस टाइम हमें क्रैमर रूल के मदद से क्रैमर रूल के हिसाब से सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। हमें क्रैमर रूल की मदद से अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं इसे सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, भी इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास। गिवन इक्वेशन है 3x-4y=10 और दिया हुआ 4x+3y=5। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसको जो ये इक्वेशन इसे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू से लिखेंगे। तो देखो पहली इक्वेशन ये जो है इसको दे दिया नंबर 1 और इसको दे दीजिए नंबर 2, ठीक है, जरूरत नहीं है, नहीं भी ये तो भी चलता है। तो यहां पर कैसा हो जाएगा दोस्तों, इसे इसे हम a1 सपोज कर लेते हैं, तो a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू लिख लो। a1 क्या हो जाएगा भाई, a1 हो जाएगा 3 और a2 हो जाएगा 4, फिर है b1 है -4 और b2 है 3 और c1 क्या दिया है हमारे पास, c1 है 10 और c2 है 5। तो दोस्तों देखो इस तरह से हमने यहां पर ये वैल्यूज लिख दी है। ये वैल्यू लिखने से हमें ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल की मदद से लिखेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है डी, ओके, और डी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एबी, क्या बताया था मैंने, ए बी सी बी ए सी, ठीक है। तो यहां पे एबी, तो डी के लिए आएगा a1 a2 b1 b2। इसी का मतलब यहां हो जाएगा दोस्तों, इनकी वैल्यू रखो 3 4 -4 3। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3, मतलब 3 × 3 3 3 यहां पर हो जाएगा 9, या फिर पहले सॉल्व करते 3 × 3 - या हो जाएगा -4 × 4। ये हो जाएगा दोस्तों 9 − −+4 = 16 और ये हो जाएगा 25। तो यहां पर हमें d की वैल्यू मिल गई दोस्तों 25, तो लिखेंगे देयरफॉर d = 25। यहां पर हमने d की वैल्यू 25 लिख ली है। अब हम चलेंगे x की ओर, यहां पे अब हम dx फाइंड करेंगे। तो dx के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, dx के लिए बताया था cb और bc, ठीक है, CBBC मतलब C1 C2 B1 B2 C1 C2 B1 B2। दोस्तों हमने मतलब इसमें जो इसके जो याद रखने की जो ट्रिक है, ये हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताई है। तो अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए। तो DX = C1 C2 B1 B2। क्या है C1 C2, 10 5, लिखेंगे 10 5 −4 3 −4 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 3 = 30 − 5 4 = 20। तो देखो ये माइनस है तो यहां पर आ जाएगा −20। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा +20, इसका मतलब ये हो जाएगा 50।
तो दोस्तों यहां पर जो dx है, dx की वैल्यू हमें मिल गई है, dx मिल गया है हमें 50। उसके बाद हम फाइंड करेंगे dy। dy के लिए हमने क्या बताया था, a1 a2 c1 c2 लिखेंगे, a1 a2 c1 c2। तो दोस्तों क्या है, a1 3 4, a1 a2 और ये हो गया c1 c2 जो है 10 और 5, ठीक है 3 4 10 5। यहां पर लिखेंगे 3 5 15 माइनस 10 4 40। तो 15 माइनस 40 देखो यहां पर हो जाएगा दोस्तों, 15 माइनस 40 25, पर 40 का साइन यहां पे माइनस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस 25। इसी का मतलब यहां पर हमें dy की वैल्यू मिल जाती है, dy इज इक्वल्स टू माइनस 25। चलिए दोस्तों अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू, यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा x, x का x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है dx अपॉन d। तो भाई dx क्या है, dx है हमारा 50 और d है 25, तो ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2। कैसे, 25 टू जा 50। इसके बाद हमें निकालना है y की वैल्यू, तो y के लिए लिखेंगे हम dy अपॉन d। तो यहां पर y इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, dy क्या है हमारे पास, dy है माइनस 25 और d है हमारे पास 25। तो यहां पर y की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 25 1 25 माइनस है तो यहां पर लेना -1, ये होगी y की वैल्यू। आंसर आ गया है हमारे पास, लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन xy इज इक्वल टू 2, -1। तो यही था दोस्तों इसका आंसर। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसे हम कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। इस फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, पहला इक्वेशन है ये 4x + 3y - 4 = 0। इसे हमें क्या करना है दोस्तों, x वाली वैल्यू 3y ये सब यही पर रहेगी इज इक्वल टू, ये 4 है इधर माइनस है तो उधर जाएगी ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगली इक्वेशन क्या है, 6x = 8 - 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5y को हम इधर लेके आएंगे तो 6x ये माइनस है इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, +5y = 8 जो है एज इट इज। तो ये दो इक्वेशन हो गई है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो इक्वेशन हो गई द इक्वेशन आर, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है 4x + 3y = 4, 6x + 5y = 8। चलिए दोस्तों वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, यहां पे आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये हो गया 4 6, सेम पेन से लिखते हैं, ये हो गया 4 6
3, 5, 4, 8। देखिए दोस्तों हमने यहां पर इसकी वैल्यू लिख ली है, तो हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल की मदद से हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें निकालना सबसे पहले D। तो D के लिए हमने क्या बताया था, A1, A2, B1, B2 लिखेंगे, A1, A2, B1, B2। ठीक है, तो भाई यहां पर जो है A1, A2, B1, B2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4, 6, 3, 5। तो लिखेंगे 4, 6, 3, 5। किसी का मतलब 4 × 5 मतलब 4, 5 = 20 माइनस 3, 6 = 18 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 2। इसका मतलब हमें यहां पर भी D की वैल्यू मिलती है, D इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं dx। तो dx के लिए क्या होगा, dx के लिए है पहले हमने बताया था AB, फिर लिया था हमने CB। ओके, तो यहां लिखेंगे C1, C2, B1, B2 C1, C2, B1, B2। इसी का मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, C1, C2 मतलब 4, 8, 3, 5 लिखेंगे यहां पे 4, 8, 3, 5 ये हो जाएगा 4, 5 = 20 माइनस 8, 3 = 24 तो ये हो जाएगा दोस्तों -4। तो देयरफॉर यहां पे हमें डी की डीएक्स की वैल्यू क्या मिलती है, डीएक्स इज इक्वल टू -4। यहां पे देखो दोस्तों हमें dx की वैल्यू मिल गई, अब निकालेंगे dy। dy के लिए क्या था दोस्तों, a और c, तो लिखेंगे a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू क्या है, a1 a2 c1 c2 4, 6, 4, 8 तो लिखेंगे यहां पर 4, 6, 4, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 8 = 32 माइनस 6 × 4 = 24 इज इक्वल टू कितना होगा, 32 माइनस 24 8, ये हो गया 8। तो देयरफॉर हमें यहां पर dy की वैल्यू मिल जाती है, dy इज इक्वल टू 8। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों इतना सा तो सॉल्यूशन है, हमें बस क्या करना है, हमें एक बार कंपेयर कर लेना, बाद में dx और dy इजीली वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू ब्लैक पेन से लिखते हैं x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो फिर dx क्या है, dx है -4/2, dx है -4, d है 2, तो 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा -2, इसीलिए x की वैल्यू हो गई -2। उसके बाद अब देखिए दोस्तों y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे dy अपॉन d, तो dy हमारे पास है 8 और d है 2, तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो dy की वैल्यू मिलती है हमें 4। Therefore यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ xy इज इक्वल टू -2, 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, मतलब थर्ड का थर्ड।
तो यहाँ पर इसको इक्वेशन दी हुई है x plus 2y is equal to minus 1, 2x minus 3y is equal to 12. तो लिखेंगे given equation r x plus 2y is equal to minus 1, 2x minus 3y is equal to 12. चलिए दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं हम a1 is equal to a2 is equal to b1 is equal to b2 is equal to c1 is equal to और c2 equal to. देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, a1 मतलब x के आगे कुछ नहीं, मतलब यहां पर रहेगा 1 और यहां पे a2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b1 2 और b2 हो जाएगा minus 3, C1 है माइनस 1 और C2 है 12. ठीक है, ये हमने वैल्यू यहां पर रख ली है. तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं. बाय क्रैमर्स क्रैमर रूल की मदद से क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले निकालेंगे डी. डी के बारे में हमने बताया था आपको, क्या करना है डी निकालने के लिए, है ना, डी निकालने के लिए लिखना है a1 a2 b1 b2. क्या है a1 a2 b1 b2, ये है 2 माइनस 3. क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 टू 4 माइनस 7. तो यहां पर हमें d की वैल्यू मिल जाती है d इज इक्वल्स टू माइनस 7. चलो दोस्तों हम निकालेंगे dx. तो है dx इज इक्वल्स टू dx के लिए हमने क्या बताया था भाई, c1 अपॉन c2 b1 b2. ठीक है, c1 c2 b1 b2. अब c1 c2 b1 b2 क्या है, माइनस 1 12 2 माइनस 3 माइनस 1 12 2 माइनस 3. क्या होगा इसे सॉल्व करने पर, माइनस इनटू माइनस प्लस 3 वन जा 3, माइनस फॉर्मूले से 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 21. इसी का मतलब भाई देयरफोर हमें यहां dx की वैल्यू मिल गई है, dx इज इक्वल टू 21. इसके बाद निकालेंगे हम dy. dy इज इक्वल टू हो जाएगा a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2. इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 a2 c1 c2 1 2 माइनस 1 12, लिखेंगे 1 2 माइनस 1 और 12, ये हो जाएगा 12 1 जा 12 और 2 1 जा माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस माइनस 2. इसी का मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 2, मतलब ये हो गया 14. तो भाई हमें यहां पर देयरफोर dy की वैल्यू मिल जाती है 14. ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d. ओके, तो क्या हो जाएगा यहां पर, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू हमारे पास है 21, d की वैल्यू है 7. कैसे 7, यहां पे भी माइनस 7 है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 21 3 टाइम और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3. ठीक है, therefore x is equal to minus 3. उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे, y is equal to dy upon d. तो फिर dy क्या है हमारे पास, 14. सॉरी दोस्तों यहां पर एक चेंजेस आएगा, ये हो जाएगा माइनस 21 माइनस 21 माइनस 21 माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस. सॉरी फॉर दैट. अब देखिए दोस्तों इधर y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d,
तो dy कितना है हमारे पास 14 और d कितना है -7, तो ये हो जाएगा 2 टाइम के आंसर 7 2 जा, तो आंसर आ जाएगा ये माइनस है तो आंसर यहां पर आएगा -2, यहां पर हमें therefore y is equal to मिलता है -2। देखिए दोस्तों हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल चुके हैं, तो लिखेंगे आंसर सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, -2। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। द गिवन इक्वेशन आर, ये क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, क्या है 6x-4y = -2, 8x-3y = -12, -2। अब क्या करेंगे दोस्तों हम a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहां पर इनकी वैल्यू लिख लेंगे दोस्तों। क्या है a1 6 8 -4 -3 -12 -2, यहां पर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल की मदद से यहां पर क्या हो जाएगा भाई डी के बारे में मैंने क्या बताया था a1 a2 b1 b2, भाई क्या है a1 a2, 6 8 -4 -3, 6 8 -4 -3 क्या होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 18, -a2 + -, तो -18, फिर -8 4 = 32, पर 32 कैसा हो जाएगा यहां पर माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों -18 -, हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा 32। ओके, तो अब 32 में से 18 को माइनस करें तो यहां पर बच जाएगा दोस्तों 14, तो d की वैल्यू हमें मिल गई है, therefore d is equal to 14। dx फाइंड आउट करेंगे, dx के लिए क्या बताया गया था c1 c2 b1 b2, ये सब याद होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो भाई c1 c2 क्या है, -12 -2 -12 -2, और यहां पर आ जाएगा -4 -3 -4 -3, सारे नंबर यहां पे नेगेटिव है, तो देखो -(-)+(12)3 = 36, फिर -(-)+(4)2 = 8, तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा 36 - 8, ये हो जाएगा 28, तो यहां पर लिखेंगे हम हमारा आंसर आता है 28। ओके, तो भाई देयरफॉर यहां पर हमें डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है 28 + 28, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे डी वाई, भाई डी वाई इज इक्वल टू क्या है, डी वाई इज इक्वल टू है a1 a2 c1 c2, भाई a1 a2 c1 c2 क्या है यहां पर 6 8 - 12 - 2, लिखेंगे 6 8 - 12 - 2, इसी का मतलब क्या हो जाएगा 6 2 = 12 - 12 - 12 = 96। चलो अब देखिए दोस्तों यहां पर
96, ये माइनस है और ऑलरेडी यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 96, 96 माइनस 12, ओके। तो 6 माइनस 2 हो गया 4 और 9 माइनस 1 हो गया 8, तो ये हो गया 84। तो यहां पे लिखे दोस्तों हमें dy की वैल्यू मिल गई है 84। अब हम क्या करेंगे, अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, dx अपॉन d। तो क्या है भाई x की वैल्यू, यहां पे dx, dx क्या है, dx है 28, d है 14, तो ये आ जाएगा 14 टू द 28, मतलब ये हो गया 2, तो हमें x की वैल्यू मिलती है therefore x is equal to 2। और उसके बाद फिर हमें y निकालना है, तो लिखेंगे dy upon d, और dy है 84 और ये हो गया 14, 14 के टेबल में 84 आता है दोस्तों 6 टाइम, तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 6, therefore y is equal to हो गया 6, तो लिखेंगे आंसर 2,6। तो ये था दोस्तों हमारा आंसर, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 20। यहाँ पर वेरिएबल x y के बदले m और n रखा गया है, अच्छी बात है। चलो सॉल्व करते हैं, गिवन इक्वेशन r, क्या है गिवन इक्वेशन, 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28। लिखेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2। भाई ये है 4, 3, 6, 2, 54, 28। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। By क्रैमर्स रूल क्या हुआ, क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डी। डी के लिए क्या है भाई, ए वन ए टू बी वन बी टू, क्या है ए वन ए टू बी वन बी टू, 4, 3, 6, 2। तो लिखेंगे यहां पे 4, 3, 6, 2, लिखेंगे 4 2 8 माइनस 6 3 18, ओके 4 2 8 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 हो जाएगा 10। तो यहां पर लिखेंगे therefore d is equal to आ गया हमारे पास 10, d की वैल्यू 10 मिल गई है। अब सॉल्व करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, भाई dx के लिए क्या था, c1 c2 और b1 b2, तो लिखेंगे C1, C2, B1, B2। क्या है C1, C2, B1, B2? 54, 28, 6, 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 54 into 2 हो जाएगा 54 into 2 माइनस 28 into 6, ये होता है 108 और ये हो जाएगा 168। चलिए दोस्तों सॉरी इसका माइनस करेंगे, 168 माइनस 108 ये हो गया 06, मतलब यहां पर बच जाता है हमारे पास 60। तो दोस्तों यहां पर dx की वैल्यू हो गई 60। अब लिखेंगे dy, dy के लिए क्या है दोस्तों, a1
A2 C1 C2, 4 3 और है 54 28, लिखेंगे 4 3 54 28, ये हो जाएगा 28 × 4 होता है 112, 24 × 8 112, माइनस 54 × 2 3 4 12, कैरी 116, मतलब आ जाएगा 162। तो चलो दोस्तों इसका माइनस करेंगे अब, 2 − 2 0, 6 − 1 5, और 1 में से बन गया 0, तो यहां बच जाता है 50। तो दोस्तों यहां पर हमें dy मिलेगा, therefore dy मिलेगा 50। तो चलिए दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x is equals to dx upon d। तो भाई क्या है dx, 60/10, तो ये हो जाएगा 6, तो therefore x is equal to 6। उसके बाद है y, तो लिखेंगे dy upon d, तो ये हो जाएगा 50/10, मतलब ये हो जाएगा 5, therefore लिखेंगे y is equal to 5। तो भाई हमारा जो आंसर है वो यहां मिल चुका है, आंसर सॉल्यूशन ऑफ x y is equals to 6 and 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं इस एक्सरसाइज का और हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। देखिए दोस्तों इक्वेशन दी है 2x + 3y = 2x − y/2 = 1/2। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन आर, भाई क्या है इक्वेशन हमारे पास दी है, यहां पर दो इक्वेशन दिए 2x + 3y = 2 और दूसरी इक्वेशन है x − y/2 = 1/2। यहां हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा −2 × y/2 = 2 × 1/2। जैसे हमने इसके पहले भी एक्सरसाइज में किया था, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा गया दोस्तों 2x − y = 1। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन अब हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। अब इन इक्वेशन को हम लिख लेते एक साथ, यहां लिखेंगे 2x + 3y = 2, 2x − y = 1, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम लिख लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है दोस्तों। a1 a2 क्या हो गया, ये 2 2 3, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, और माइनस है तो यहां आ जाएगा −1, और ये हो गया 2 1। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अभी बाय क्रैमर्स रूल। तो भी क्रैमर रूल क्या कहता है, d = a1 / a2 b1 / b2, भाई क्या है 2 2 3 − 1, 2 2 3 − 1, 2 1 = 2 − 2 − 3 = 2 हो जाएगा 6, और −2 − 6 हो जाएगा −8। तो देखो बेटा यहां पर हमें वैल्यू मिल जाती है d = −8। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx, तो dx के लिए हमने क्या बताया था, c1 c2 b1 b2
बी टू वही क्या है सी वन सी टू बी वन बी टू टू वन थ्री माइनस वन टू वन थ्री माइनस वन ओके तो ये हो जाएगा टू वन जा टू माइनस है तो माइनस टू थ्री वन जा थ्री माइनस फॉर्मूले से आया ये हो जाएगा माइनस फाइव तो भाई यहां पर जो है हमें देयर फोर यहां पे वैल्यू मिल जाती है डीएक्स की माइनस फाइव अब हम हमें निकालना है डी वाई लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू क्या है भाई ए सी ए वन ए टू सी वन सी टू तो क्या है ए वन ए टू सी वन सी टू 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 वन टू 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 वन भाई टू वन जा टू माइनस टू टू जा फोर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टू तो भाई देयरफॉर यहां पर हमें डी वाई मिल जाता है माइनस टू अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी भाई क्या है डी एक्स है माइनस फाइव और d है माइनस एट तो ये देखो ये माइनस माइनस कैंसल और वैल्यू आ जाएगी यहां पर फाइव अपॉन एट तो x इज इक्वल टू हो गया फाइव अपॉन एट अगर दोस्तों यहां पर y y में आएगा dy वाई अपॉन डी इज इक्वल टू भाई क्या है dy वाई अपॉन डी तो dy है माइनस टू और d है माइनस एट ओके जैसे कि हमें पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा टू वन जा टू टू फोर जा एट तो यहां पर वैल्यू आती है y इज इक्वल टू वन अपॉन फोर देयर फोर y इज इक्वल टू आएगा वन अपॉन फोर तो देखिए यहां पे x और y की वैल्यू मिल गई है आंसर लिख लेंगे आंसर सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव अपॉन एट कॉमा वन बाय फोर तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये ठीक है और ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इजी थी क्रैमर रूल जो है ये बहुत इजी वे से समझाया गया है और बहुत इजी मेथड है ये सॉल्व करने की साइमल्टेनियस इक्वेशन को तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखिए वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग